Hello everyone. Hi, this is Nitali. Welcome back to evidhyati.in. Now we are moving towards question number 3. Let's see kya hai question mein. A battery lights a bulb. Describe the energy changes involved in the whole process. So koi bhi battery hai, if it is lighting a bulb, तो हम torch को भी इसमें imagine कर सकते हैं या फिर आप ऐसा समझ लो कि किसी भी छोटी सी बैटरी से एक bulb connected है, ठीक है? तो इस situation पे बात करते हैं कि किस पूरा जो energy transformation हुआ है starting from the battery to the lighting of the bulb. क्या-क्या transformations होते हैं? Let's see now. Within the electric cell of the battery, the chemical energy changes into electrical energy. So सबसे पहले अब आप यहाँ पर बोलोगे कि बैटरी के अंदर क्या chemical process है? होता है ये आपको थोड़ा सा और अगर जब हम अपने थोड़े से सीनियर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक प्रोसेस पढ़ने को मिलेगा और वहां पे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से एक बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ अभी हम मान के चलते हैं कि कोई भी बैटरी है, अगर हम उसको लाइट कर रहे हैं, यानी कि उसको अगर करंट दिया जा रहा है, तो उसकी सबसे फर्स्ट पॉइंट पे केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते ही जितने भी चार्जेस हैं, पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पहुंचता है बल्ब तक. आप देखते हैं अपने वायर्स के थ्रू उसमें पूरा करंट ड्रॉ होता है. आगे क्या होता है चलिए देखते हैं. द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब फर्स्ट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी एंड देन इनटू द लाइट एनर्जी अल्टीमेटली. तो हमने क्या देखा है कि हमारी वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस उसमें मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं और जैसे ही बल्ब के फिलामेंट में पहुंचते हैं सबसे पहले उसमें हीट एनर्जी डेवलप होती है एंड देन फाइनली हम उसमें क्या देखते हैं, लाइट एनर्जी. सो हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि कोई भी बल्ब अगर जल रहा है तो क्या कभी आपने उसे ठंडा देखा है? नहीं देखा तो हाथ लगा के देख लेना, लेकिन ज्यादा पंगे नहीं लेने हैं इसमें. सो अपने एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना. पॉइंट इज कि कभी भी हमें पता है कहीं पर भी अगर लाइट जल रही है तो वहां पर हीट एनर्जी तो डेवलप हुई है, उसके बाद ही वहां पर लाइट एनर्जी का प्रोडक्शन हमें दिखा है. सो सिमिलरली इन दिस केस आल्सो इफ यू आर लाइटिंग अ बल्ब, कहीं भी किसी भी चाहे स्विच बोर्ड के थ्रू या फिर आप बैटरी के थ्रू कनेक्ट करके देखो, सबसे पहले केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट प्लस लाइट एनर्जी, ठीक है? So now let's move on to another question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye-bye.